सो हे गाइस, यहाँ पे Samsung ने लॉन्च किया है A सीरीज का दो स्मार्टफोन जो कि है Samsung Galaxy A15 और Samsung Galaxy A25। इस वीडियो में गाइस मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि Samsung Galaxy A25 क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि Samsung Galaxy A25 के ऊपर होने वाला है और नेक्स्ट वीडियो A15 का होगा। तो यहाँ पे गाइस ये जो फोन है बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइज्ड लॉन्च हुआ है। क्यों लॉन्च हुआ है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सारा कुछ क्लियर करता हूँ। वीडियो पूरा देखना, आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले गाइस आप लोग बोलोगे कि मेरे हाथ में फोन नहीं है, तो मैं Samsung यूजर हूँ, मैंने Samsung के बहुत सारे फोन ट्राई किए हैं और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं खरीद के भी रिव्यू कर दूंगा। बिकॉज गाइस इस फोन को खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए मैंने भी नहीं खरीदा। वो आपके कमेंट पे डिपेंड करता है, फिर मैं खरीद के रिव्यू भी कर दूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे गाइस ये जो फोन है ना, हमारे को देखने को मिलेगा 6.5 इंच डिस्प्ले के साथ, जो कि काफी कॉम्पैक्ट साइज का डिस्प्ले है, एमोलेड होने वाला है। यहाँ पे 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। नो डाउट इसका डिस्प्ले बहुत ज्यादा बेहतरीन है और 120 हर्ट्ज के साथ सुपर एमोलेड के साथ ये चार चांद लगा देगा। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। एजेस वगैरह सही है, कोई दिक्कत एज में आपको अच्छा फुल साइज का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो वाटर ड्रॉप नॉच है वो इसके प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते। ये जो फोन है गाइस अभी Amazon में मैंने देखा 26,000 रुपए का बिक रहा है और वेबसाइट में जो है ऑफिशियल उसमें और ज्यादा होगा, तो कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के अराउंड आपको ये 23-24 में मिलेगा, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से ओवर प्राइज्ड है। यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलता है Exynos की तरफ से आने वाला Exynos 1280 प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 6080 के इक्वल है, यहाँ पे थोड़ा बहुत 6080 ऊपर ही निकल कर चले जाता है अंततः स्कोर में, थोड़ा बहुत 19-20 का ही फर्क है, लेकिन उसके आसपास ही अगर आपको कोई एग्जाम्पल में लेना हो तो ये एकदम फिट बैठ रहा है Dimensity 6080। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेसर है, लावा ने इस प्रोसेसर के साथ एक फोन लॉन्च किया, लावा स्टॉर्म 5G, जो कि मात्र 12,000 रुपए का है। तो ये फोन गाइस सेम प्रोसेसर के साथ Samsung ने लॉन्च किया, मतलब सेम स्पेसिफिकेशन वाला प्रोसेसर है और यहाँ पे ये जो फोन है 25,000-26,000 रुपए का Samsung लॉन्च कर रहा है। तो इस प्रोसेसर को 26,000 रुपए पे करना कोई भी सेंस नहीं बनाता है। यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसेसर है, आपको अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए 25,000 रुपए में तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको Samsung का ही फोन चाहिए ना तो Samsung Galaxy M52 ले लो, उसमें 778G लगा हुआ है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे Samsung का ही चाहिए तो Samsung F54 5G स्मार्टफोन ले लो, वो भी बहुत अच्छा है और अच्छे डिस्प्ले के साथ आता है। ऑफर वगैरह लगा के 23 तक लोगों ने खरीदा है उसको। अब यहाँ पे गाइस आपको 8GB का रैम मिलेगा, 128GB का इंटरनल मेमोरी मिलेगा और बाकी अगर आप दूसरा फोन खरीदते तो वहां पे 256GB आराम से मिल जाएगा इस प्राइस रेंज में। और यहाँ पे रैम तो 8GB है, ठीक है कोई बात नहीं, 8GB सफिशियंट है मेरे ख्याल से। यहाँ पे जो कैमरा होने वाला है वो 50MP का मेन कैमरा होगा, साथ में 8MP का वाइड एंगल और 2MP का एक और कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैमरा में आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा, वीडियो वगैरह आप अच्छे से शूट कर सकते हो, मैक्सिमम 4K तक शूट करोगे 30fps, 4K में कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा, लेकिन फुल HD में आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे गाइस फ्रंट कैमरा 13MP का देखने को मिलेगा, मैक्सिमम आप जो है 1080p तक जो है शूट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, इस 25-26 हज़ार रुपए का फोन खरीदोगे, इवन यहाँ पे जो कैमरा होने वाला है, नो डाउट इसका कैमरा बहुत अच्छा होने वाला है, बट यहाँ पे कैमरा में यहाँ पे OIS वगैरह का कोई सीन नहीं है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे मैं बोलूँ, अगर आपको अच्छा कैमरा वाला सस्ता Samsung का भी फोन चाहिए तो Samsung Galaxy M34 ले लो, उसमें भी सेम ऐसा ही डिस्प्ले है, वो भी 5G फोन है, आपको 16-18 हज़ार रुपए में आराम से मिल जाएगा और उसमें OIS लगा हुआ है तो अच्छा फोटोज भी वो ले लेता है। यहाँ पे A सीरीज का फोन लेने का एक ही हम लोग के पास प्लस पॉइंट है, लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट्स ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन इसमें तो गुड लॉक का भी सपोर्ट नहीं है मैंने सुना है, तो ये कहीं से भी सेंस नहीं बना रहा है कि 26,000 रुपए आप इस फोन को खरीदने में लगा दो। अगर आप ऑनलाइन मार्केट से फोन बाय करते हो तो कहीं से भी Samsung Galaxy A15 अभी आने वाला है, Samsung Galaxy F34 जो है वो आ चुका है, उसके तरफ आप जा सकते हो। और भी ऑनलाइन मार्केट में Samsung की अगर आपको फोन खरीदने हैं तो F सीरीज और M सीरीज के तरफ जाओ, वो ऑनलाइन मार्केट में बहुत अच्छे फोन प्रोवाइड करता है Samsung, लेकिन A सीरीज ना ऑफलाइन मार्केट का फोन है। तो अगर आप ऑफलाइन मार्केट में फोन खरीदने में इंटरेस्टेड हो और A सीरीज आपको पसंद है, हालांकि इस वाले A सीरीज में कुछ भी नहीं है A25 में, तो मैं आपको बोलूंगा आप वेट कर सकते हो या फिर Samsung का दूसरा फोन खरीद लो, या फिर आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए, या फिर लेटेस्ट फोन अगर आपको Redmi वगैरह पसंद है तो Poco X6 आप ले सकते हो और साथ में Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन ले लो, उस फोन में गाइस 25,000 रुपए में आपको बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा, 25 नहीं इवन वो 22,000 रुपए में देखने को मिलता है, तो बहुत ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइस Samsung Galaxy A25 में 5000mAh का बैटरी है, लेकिन चार्जर इन द बॉक्स नहीं मिलेगा, 25W का चार्जर आपको वो 1600 रुपए का अराउंड मिलता है, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, तो वो भी
मतलब आपका पैसा ही ले रहा है, तो उससे अच्छा आप दूसरा फ़ोन ले लो। अगर आपको सैमसंग ही पसंद है तो सैमसंग के और अदर फ़ोन भी मैंने बता दिए, लेकिन सब में चार्जर आपको खरीदना पड़ेगा अलग से। तो यही था गाइस मेरा कहना कि ये जो प्रोसेसर है कोई भी सेंस नहीं बनाता, और ऐसा डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, और ऊपर से प्लास्टिक बॉडी, ग्लास बैग भी नहीं है, फ्रेम वगैरह भी प्लास्टिक का मिलता है, मतलब पूरा चीपनेस आपको लगेगा फ़ोन खरीदने के बाद। वो बात अलग है कि सैमसंग का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट्स ज़्यादा मिलेंगे, वो बात अलग है, बट मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है सैमसंग को मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको सैमसंग ही पसंद है तो एम सीरीज़ का वेट कर लो, या फिर सैमसंग का आपको ऑफलाइन मार्केट से फ़ोन खरीदना है तो फिर महंगे वाले फ़ोन खरीदो, वही बेहतर है। और सैमसंग के ए सीरीज़ में ही अगर खरीदना है तो A54, A52, ये जो स्मार्टफोन है ना 5G में लॉन्च हुए हैं, अगर आपको ये फोन 25-26 में मिलते हैं तो वो ले लेना, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लग रहा है। लेकिन A25 मत खरीदना, बाद में इसका प्राइस वैसे भी बहुत डाउन जाएगा सेल वगैरह। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।